समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज हमेशा हाशिए पर होता है। इस देश में जो 85% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उस समाज में उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, और उस समाज में जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास और भारत में संविधान लागू होने के बाद जो सिस्टम में आए, क्या उन्होंने अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभाया, और क्या जो शोषित वंचित समाज हैं उनके जो वो तमाम लोग जो सफल हुए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उन्होंने मेहनत नहीं की, क्या ये कहना ठीक रहेगा? या इस देश में ऐसा कुचक्र रचा गया है जहाँ हम भारत को मजबूत नहीं बनाना चाहते, जहाँ यहाँ के मूल निवासी 85% लोगों को गरीब, लाचार और बेबस रखना चाहते हैं, और क्या वजह है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो या राजनीति हो, उसमें नहीं आ पाता है? कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, कोई मीडिया में संपादक नहीं, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं। क्या वजह है कि एक ही जाति विशेष के लोग इन तमाम बड़े पदों पर काबिज हैं? मेरे साथ मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज कोलसे पाटिल हैं, जो अनाथ आश्रम से निकलकर जज की कुर्सी तक पहुँचे, लेकिन मन की बेचैनी थी कि इस्तीफा दे दिया, और इस उम्र में 80 साल की उम्र में लगातार देश भर में शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। अभी वो दिल्ली में हैं और किसानों के आंदोलन को सॉलिडारिटी मजबूती देने आए हैं। सर, क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है? वंचित समाज के नेता ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, या उनको काम करने नहीं दिया जाता है? नहीं समूह, तो आज अभी जो बोल रहा था कि एक लफ्ज में सुन रहा था, हम सबको ब्राह्मण पुरुष छोड़ के इस देश में शिक्षा पर बंदी थी मनुस्मृति के कानून के तहत। मनुस्मृति को धक्का देने का काम सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी ने करा। अभी जिन्होंने हमको पढ़ाया, उन्होंने हमको क्यों पढ़ाया, ये ना हमने पढ़ा है ना किसी ने हमको पढ़ाया है। जिस व्यवस्था ने हमें पढ़ने नहीं दिया, विश्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए हम सैनिक तैयार हो, इसलिए हमको हमारे पुरखों ने पढ़ा है। हम पढ़ के उनके साथ लड़ाई तो छोड़ो, लेकिन उनके साथ जुड़ गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम उनको उनके सामने मत्था और हमारे लोगों के लात दे रहे हैं। तो ये अभी मैं ब्राह्मणों की सिर्फ गलती नहीं बोलता, अभी मनुवादियों की गलती क्या है, तो उन्होंने हमें स्वतंत्र विचार की नया यानी युवा पीढ़ी को निर्माण ही नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बोला तुमको पढ़ना है ना, अभी पढ़ो, लेकिन जो हम बोलेंगे वो पढ़ेंगे ना। हमारा कुछ नया सिलेबस आया ना, हमारे सही हिस्ट्री आई ना, इन्होंने हमको 6000 साल से, 5000 साल से, 1000 साल से, या आज भी जो छल कपट से हमारी बर्बादी कर रहे हैं उसका एजुकेशन में अंतर्भाव है। देखो अभी किसान 8 महीने हो गए बैठे हैं, किसानी पर सब निर्भर है, इंडस्ट्री निर्भर है, हम सब निर्भर है, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान सब किसानी पर निर्भर है। किसानों के साथ मजदूर है, कामगार है, लेकिन उन सब के सुनने के लिए मोदी को समय नहीं है। और पहले भी सरकारें हरिश्चंद्र थी ऐसा मैं कहता नहीं, लेकिन देखो सिर्फ 5 करोड़ या 5000, 5 करोड़ में मेरे ख्याल से पंडित नेहरू ने 1957 में LIC शुरू करी थी, उसकी आज संपत्ति है 120-130 लाख करोड़। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंक थी, कुल मिलके उसमें 5000 करोड़ थे, 5000 करोड़ में से 3500 कर्ज बांटा था, सो बैंक में 1500 करोड़ थे। तब तहाँ से बैंक राष्ट्रीयकरण करने के कारण आज बैंक में 150 लाख करोड़ का ये पैसा है ना। ये अंबानी का पैसा है, ना अदानी का पैसा है, ना किसी पैसे वाले का पैसा है,
हम सब गरीब लोगों का पैसा है। उसमें से पहले सरकार, अभी सब आंकड़े वगैरह दिए, ये टीवी की मतलब अपनी मुलाकात लंबी होगी, लेकिन मोदी के ज़माने में 101 लाख करोड़ उसमें से 101 लाख करोड़ चंद उद्योगपति को दिए, LIC के भी पैसे चंद उद्योगपति को दिए हैं, ऑयल सभी सभी क्षेत्र जो है, कोयला है, बिजली है, पानी है, सौर ऊर्जा है, सभी सिर्फ चंद उद्योगपति को देना काम शुरू हो गया है और मिट्टी मोल भाव से दिया। अब ये पैसे वसूल होने वाले नहीं है, अभी तक 20 लाख करोड़ डूबे, यानी 101 लाख करोड़ से में से 20 लाख करोड़ डूबे, हमारा अंदाज है 50 लाख करोड़ डूबे। तो अब ये पैसे किसके डूबे? गरीबों के डूबे। तो अभी नया परसों कानून लाया कि 90 डेज में हम 5 लाख करोड़ देंगे, यानी मेरा बैंक में 1 करोड़ है तो मुझे 5 लाख करोड़ मिलेंगे। तो ये क्या, इनके बाप का पैसा नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता कोई समझता है नहीं। इनकी मानसिकता क्या है जी? आप जिस व्यवस्था के आपने जिक्र किया, हम 85% है, मैं तो कहता हूँ हम 99% है। 1% ब्राह्मण पुरुष, और वो भी बहुत जहरीली सोच वाले छोड़कर, बाकी इसमें रात दिन काम कोई कर नहीं रहा है। मैंने कई बार जिक्र किया, मैं अभी भी सभी 85% लोगों को तेरे भाषा में जो है उनको विनती करता हूँ, कर एक बार तो टिड़क पढ़ो, सावरकर पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, पढ़ो पढ़ो एक बार पढ़ो। हमको जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने इसलिए पढ़ाया कि हम ये पढ़े, हम ये समझे कि हमारे दुश्मन कौन है, लेकिन हम समझते नहीं, हम उनसे बात ही नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। उनका कहना था कि हम देश के मालिक हैं और आप सिर्फ 2 जून की रोटी का अधिकारी है। क्लियर वर्ड्स में कहते हैं गोलवलकर कि सबको भिखारी बनो तो उनके ऊपर राज कर सकते हैं, और उदाहरण हिटलर का देते हैं कि हिटलर ने एक मुर्गा लाया पार्लियामेंट में, उसके एक एक पर निकाला, वो चीख रहा था तो सामने सबके निकाला और उसको दाने टक डालने लगा हिटलर, वो दाने के पीछे पीछे भागने लगा। तो ऐसा बोले राज करना चाहिए, यही राज यहाँ कर रहे हैं सब हमारे। आप बंच ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, बंच ऑफ थॉट का उदाहरण देके मैं बोल रहा हूँ कि बंच ऑफ थॉट में या वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर का कहना है नटशेल। मैं अभी आपको कोड भी दिखा सकता हूँ, मैं मेरे फेसबुक पे डालता हूँ कि शूद्रों को, यानी उनके तो कहना है कि शूद्रों सिवा कोई बाकी शिल्लक रहा ही नहीं है। टिड़क गौर सावरकर एक ही लाइन है कि आप क्या पार्लियामेंट में जाके किसान जाके हल चलाएंगा, दर्जी जाके क्या कैंची चलाएंगा, यानी किसी ने पार्लियामेंट में विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वर्ण व्यवस्था के तहत। अभी कल ये मैं सफाई काम मजदूर में था, मैं रोया कि उनके जो वर्णन सुने मैंने, वो डिब्बा लेके चलते थे तो कैसी गंदगी आंख शरीर पर पड़ी घूत पड़ती थी, तो ये किसने किया? चलो ने ये जगन्नाथ मिश्रा बिहार का चीफ मिनिस्टर था, सभी सफाई कामगार ब्राह्मण को अपॉइंटमेंट किया था और वो जाते नहीं थे वहाँ सफाई को, ये सफाई कामगार जाते थे और उनसे तनख्वाह लेते थे, वो अपना सरकारी तनख्वाह लेके घर बैठते थे। तो इतनी जब दुर्दशा है हमारी और हम सब बटे हुए हैं, हमारी सभी सार्वजनिक संपत्ति बेचने का कारण क्या है? कारण यही है कि तुम संपत्ति के मालिक लायक नहीं हो, संपत्ति के मालिक तो हम हैं, तो हम तय करेंगे कि वो संपत्ति कहाँ रहेंगी, तो वो चंद उद्योगपतियों के पास रहेंगी, ये उनका कहना है। सब बेचने के बाद अभी लाखों इंडस्ट्रीज बंद है तो हमारे काम बंद है, तो किसी में पैसे नहीं है तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कोई खरीदता नहीं है, इकोनॉमी ठप है। ये जेएनयू के रिटायर्ड, उनका अभी नाम नहीं याद रहा, लंबी दाढ़ी है, वाइट, वो बोलते कि हमारी GDP -50 है, ये -23 बोलते थे, 24 बोलते थे। प्रोफेसर अरुण कुमार ने सब कैलकुलेशन देके बताया है कि हमारी GDP 40-50% माइनस है, 40%। तो GDP कहाँ रही है? और दूसरी बात, शेयर बाजार उछल रहा है, जब हम सब लोग मरते हैं तो शेयर बाजार उछल रहता है, तो ये एक जुगाड़ है उनका और वहाँ उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। कोविड के पीरियड में
अदानी अंबानी की सिर्फ प्रॉपर्टी बड़ी है, कई गुना पट ज्यादा, कोई गुना ज्यादा, और हम सब लोग दो जून की रोटी के भी मालिक नहीं रहे। वो 5 किलो धान देगा, हम तब दो जून की रोटी खा सकते हैं, और रोटी खाना एक सिर्फ रोटी खाने दाल चाहिए, नमक चाहिए, तो ये तो इसकी पचाई नहीं करता। और फिर घर घर गली गली में वोट देखता हूँ मैं, मुफ्त राशन, मुफ्त लसीकरण, मुफ्त उपचार। ये मुफ्त क्या, इनके बाप कहेगा, जब ये तिजोरी है, ये तिजोरी जब भरती है तो ये सब पैसे तो हमारे हैं, सब इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे हैं। कोई भी उद्योगपति, कोई भी सपोज हमारे प्रोफेसर वगैरह सब सैलरी इनकम देते हैं, उनका इनकी सैलरी कहाँ से आती है? सैलरी तो हमारे खून पसीने से आती है, तिजोरी तो हमारे खून पसीने से भरती है। तो कोई सामान्य जनता छोड़कर कोई भी टैक्स नहीं देता, और उससे कंपल्सरी लिया जाता है। जब वो सुबह उठता है तो टूथब्रश से शाम को सोते समय तक जो भी वो खरीदता है उसकी उसको कीमत देनी पड़ती है, जिसमें टैक्स ऐड होता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो चीज़ें लगेंगी उसके ऊपर किसी ने मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। ये तरतूद वो मूलभूत हक के यानी फंडामेंटल राइट में करना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं। उनको प्रॉमिस किया गया आपको नियोजन मंत्री बनाएंगे, अर्थ मंत्री बनाएंगे, तब आप करो, आज मत करो। तो आज न करने का कारण क्या था? तो ये संघ वाले देश भर में मुस्लिम बस्तियां जला रहे थे। जब संविधान तैयार हो रहा था, जब संविधान में बाबा साहब की कुछ मांगी थी उसके ऊपर बाबा साहब अटके, तो नेहरू ने बोला कि स्वतंत्र जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, और ये लोग इसके ऊपर कब्जा कर बैठेंगे। तो ये हर समय बाबा साहब को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि ये संघ वाले सब देश में एक दंगे और जो कुछ अभी रिसेंटली 18 बॉम्ब शूट उनके हैं। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित के कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि हमें हमारे साथ स्मृति है उसका राज हमें चाहिए, संविधान को हम बेदखल करेंगे, और इसके लिए वो इसराइल की मदद चाहते थे, नेपाल की मदद चाहते थे, और ये देशद्रोही कार्रवाई वो राजरोस कर रहे थे संघ के साथ। और उसके सब रिकॉर्डेड मिनट्स है। उनको पूछा कि रिकॉर्ड क्यों किया, तो हम में से कोई गद्दार न हो जाए इसलिए हमने रिकॉर्ड किया, और वो कोर्ट में अभी है। क्या हो रहा है उनके ऊपर, कुछ हुआ क्या? बाबरी मस्जिद से आज तक हिंदुत्ववादियों ने जो जो गुने किए उनके बाल भी बाका नहीं हुआ, और हमारे सब दलित, मुस्लिम, आदिवासी जेल में है। हम बोलते हैं, हमारा एक हमेशा एक पाव जेल में, एक पाव घर में हमेशा होता है, हमारे पीछे NIA लगी है। तो ये क्या है? तो इसीलिए आज समाज क्यों नहीं एकजुट हो रहा है सर? समाज में कहाँ कमी रह जा रही? हम लोग में कमी है। हमारे बहुजन नेता है ना, मुझे सब माफ़ करेंगे, लाचार है, करप्ट है, उनके मोदी के पास फाइलें हैं, और जिनके फाइलें नहीं है वो पद के लिए लाचार है, पैसे के लिए लाचार है। मेरा एक दोस्त है, अच्छा अम्बेडकरवादी था, जिसको मैंने अभी बोलना ठीक नहीं, हम साथ काम करते थे, वो एक दिल्ली में अच्छी कोठी है, मिनिस्ट्री है। मैंने बोला कि तू यदि एक सही मिनिस्टर है तो हमारे सब देश की बेटियां, उनको तू एक फतवा निकाल, सबको शिक्षा की सुविधा दे, फ्री एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स इन द कंट्री, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोलने से क्या होगा? तो तू कर जा मोदी के पास, इतना कर। वो बोले मुझे कि मेरे घर जी खाना खाने आए, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, तेरा मुंह भी नहीं देखूंगा, तू जा, तुझे तेरे में हिम्मत है तो मोदी के पास बैठ कर इतना कर ले, सब बेटियों को तू फ्री पढ़ाने की कोशिश कर। तो हमारे पास पॉलिसी नहीं, हम जब वहाँ जाके बैठते तो क्या करते? हम खुद के लिए बैठते हैं, हम समाज के लिए थोड़े बैठते। कांग्रेस के राज में या किसी पार्टी के राज में जो भी, जिसको हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है या कभी संविधानिक इंस्टीट्यूशंस है या की इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि एजुकेशन है, बैंक है, सांस्कृतिक जो भी संस्कृति के बारे में होता है, सांस्कृतिक क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट है, सब में हमारा कौन है? और जब सभी संविधानिक संस्थाएं ने तय किया है
कि मोदी जो भी नंगा नाच करे हम सह लेंगे, मोदी ने जो करना है करिए, मोदी सब झूठ करता है। सभी गुजरात का इतिहास है, सब झूठ का इतिहास है, टोटल झूठ का इतिहास है। और ये किसी ने हिम्मत करी तो सोनिया गांधी ने जब जाके कहा था वहाँ सोनिया जी ने कि मोदी मौत का सौदागर है, तो कांग्रेस वाले ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। अभी राहुल गांधी बोल रहा है कि आरएसएस को डरो मत, कांग्रेस वाले भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये मनुवादी या संघों को, इतने संघ से कोई पंगा लेने को तैयार नहीं। और संघ हमारे सभी 85% लोगों के दुखों की जड़ है। तो क्या करने की जरूरत है सर, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऐसा है कि हमें एक तो पहले, मैं अभी कोशिश वही कर रहा हूँ, मैं सभी नेताओं को मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको पाव गले लग रहा हूँ, पाव पड़ रहा हूँ कि भाई आपका स्वार्थ छोड़ो, क्या कहाँ लेके जाएंगे। बहुत पैसे वाले दोस्त मेरे मरे हैं, कहाँ पैसे, उनको उनके बच्चों को भी मालूम नहीं। ये सब इनके पैसे किसी इंडस्ट्रियल्स के पार्ट होते हैं, जब ये मरते हैं तो वो क्या उनको निकाल देते हैं। तो पैसे और पद का स्वार्थ छोड़ेंगे, और उसका भी एक आनंद होता है, वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पद और पैसे का स्वार्थ छोड़ के, सब घर बार छोड़ के जो काम करने में मज़ा आता है, वो भी एक अलग मज़ा है। तो ये यदि सब नेता मेरे सुनेंगे कि नहीं, तो जनता हमें तो देखो ना, तेरे जैसा मीडिया कहाँ है हमारा, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हमने आज तक क्या किया, किसको मालूम नहीं। तो इसलिए हमारे जजमेंट भी, जिसको पार्लियामेंट को कानून करना पड़े, इतने जजमेंट मेरे अच्छे हैं, कोई नाम ही नहीं लेता हमारा। तो हम चाहते हैं कि जनता से संपर्क बढ़े हमारा। जनता बहुत अच्छी है, मैं 1976 से अम्बेडकर वादियों के साथ हूँ, तब मैं कितने साल का था, 32-35 साल का था, और तब से मैं 33 साल का था, मैं अम्बेडकर वादियों के साथ हूँ। एक रुपया भी न लेते हुए मैं देश भर उनके लिए घुमा हूँ, बामसेब के झगड़े हो, कुछ भी हो, काशीराम के साथ मैं था। लेकिन जनता बहुत सरल है, उनको सब मालूम है, वो सब जानते हैं। नेता वो अपनी जात छोड़ के किसी को वोटिंग नहीं कर रहे, वो जाति धर्म के आधार पर जब आप वोटिंग करेंगे तो हमारा विकास नहीं कर सकते। सर आप मुंबई हाई कोर्ट में जज थे, अच्छी नौकरी थी, क्यों रिजाइन कर दिया? जब मैं पहले दिन से कोर्ट में गया तो मैंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, टेनेंट के लिए, जो भी विकर सेक्शन था उनके लिए आउट ऑफ बेजॉन जजमेंट देने का प्रयास किया। आउट ऑफ बेजॉन जो भी कुछ कहेंगे चलने दो। एक मैं उदाहरण देता हूँ कि स्वीपर रेलवे का, उसने रेलवे की सोपकेसेस चुराए थी, कुछ 10-5 सोपकेसेस, तो रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे थेफ्ट, 6 महीना। तो मैंने पहले दिन आया तो मैंने कहा यार रेलवे के रेलवे खाते हैं लोग, ये बेचारा स्वीपर है, सोपकेस चुराई, चुराई नहीं चुराई बात अलग है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तुम बाद में जजमेंट में जजमेंट फिल फॉलो, उसको एक्विट करो, उस पहले सर्विस में ले लो। एक मुस्लिम 93 ईयर ओल्ड वुमन थी, उसको इनकम टैक्स ने पूछा कि तेरे लॉकर से क्या, उसका बेटा बहुत रईस था वगैरह, बदमाश था, तो माँ को क्या मालूम, 93 ओल्ड माँ को, मेरी माँ को कुछ क्या मालूम है उसके नाम पर मैंने लॉकर खोले। तो बोले हम मेरा कोई लॉकर नहीं है, बस उसके ऊपर उसको 6 महीने भेजा था। मैंने सबको बुलाया, यार वो बुढ़ी देखो तुम, उसको 6 महीने कहाँ रखेंगे तुम, तो मैं उसको एक्विट करता हूँ। एक फॉरेस्ट का था, फॉरेस्ट के जो लकड़ी चोर कौन होते हैं, हमारे लोग होते हैं, गरीब लोग, और स्वामिल को तो कभी वो आरोपी बनाते नहीं, बनाते नहीं थे। तो मैंने कहा जब तक तुम स्वामिल को आरोपी नहीं बनाएंगे मैं इनको छोड़ देता हूँ, तो उनको छोड़ दिया। तो ऐसे मेरे जजमेंट थे, जैसे अभी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, एक कॉन्स्टेबल था जिसको 6 बेटियाँ थी, और वो कहता था मेरे पगार में होता नहीं, तो उसने म्यूनसिपल कमिश्नर को एप्लीकेशन किया कि मुझे एक हथगाड़ी का लाइसेंस दे दो, वो सब्जियाँ फल बेचेंगे, बेटियाँ, और मेरा गृहस्थी चलेगी। कमिश्नर ने वो रिजेक्ट किया एप्लीकेशन ही, उन्होंने वही अपना केरोसिन का डब्बा लेके गया था, और अटेम्प्ट का ही अटेम्प्टेड सुसाइड। तो वो हमारे सामने केस आई, तो मैंने कहा देखो वो सेक्शन ही हम इंडियन पिनल कोड से निकालना चाहते हैं। अभी वो ब्राह्मण वकील था, उसकी कुछ तैयारी नहीं थी, वो नहीं नहीं बोले मेरी तैयारी नहीं, मैंने कहा हमारी तैयारी है, चल
फॉर्चुनेटली मेरे साथ जस्टिस सावंत थे, उनको भी मेरा ये रवैया ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो एडमिट करना, स्टे देना, फिर उसका प्रोसीजर से हेयरिंग करना, मैंने सब प्रोसीजर बाईपास करे और उसके ऊपर हेयरिंग किया, वो सेक्शन निकाल डाला। इंडियन पिनल कोड में से आईपीसी निकालने वाले हम पहले लोग थे और उसको छोड़ दिया, उसका पार्लियामेंट को कानून करना पड़ा। लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत परीक्षण आया, वो ब्राह्मण जज खुद ने उसने लेख लिखा, उसमें मेरा नाम ही नहीं लिखा जजमेंट में, वे लेख में कि जस्टिस कोलशी पटेल के सामने ये मैटर था। इतना द्वेष है, इतना द्वेष। यार वो वकील अच्छी तरह मैं जानता हूँ, वो तैयार नहीं था। मैंने कहा तू, मैं तैयार हूँ, चल हमको खड़ा हो। फाइनल हियरिंग एडमिशन स्टेज ला, मैंने फाइनल हियरिंग करके उसका निकाल दिया था। एक्साइज रिफंड है, जो भी हम लेते हैं तो एक्साइज भरते हैं, ये कीमत में भरते हैं, और उद्योगपति गवर्नमेंट से वापस लेता था, लाखों करोड़ का रिफंड होता था, हजारों करोड़ का उस जमाने में 85 में। मेरा जजमेंट बाकी जजेस ने रद्द किया, मैंने रिजेक्ट किया था वो क्लेम, क्योंकि सेक्शन ऐसा था कि जिसके पास से लिए उसको देना है, इलीगली आपके पास से पैसे लिए तो आपको देना है, इतना ही वो सीमित अर्थ लगाते थे। मैंने कहा ले किससे, इन्हें उद्योगपति नहीं था, अपने कंज्यूमर से लिए, वो तो सिर्फ पोस्ट मास्टर है, उद्योगपति तो सिर्फ सरकार को भरता है, यानी हमारे से लेके भरता है, तो हम उसको नहीं देंगे वापस, हम कंज्यूमर को देंगे, कंज्यूमर को दे नहीं सकते, इसलिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड बना, हमारा कहना था। वो मेरी विनंती राजीव गांधी ने मानी, सिटिंग जज था मैं, यहाँ आके उनको मिला और उन्होंने वो कानून में तब्दीली करी। बात ऐसी है कि कितना झगड़ना है। और वो जब हम ऐसे सिस्टम के खिलाफ, हमारा चीफ मिनिस्टर था शरद पवार, उसने वो गरीबों के लिए जो लैंड थी वो बड़े बड़े लोगों को दी, 7-स्टार होटल बने। कंडीशन थी 1 बेडरूम के फ्लैट के लिए जमीन छोड़ना, अर्बन लैंड सेलिंग से मुख्यमंत्री कोटा। तो हमने अपॉइंट किया रजिस्ट्रार का आदमी और देखा, हाईकोर्ट का आदमी, और देखा कि इन्होंने, मैंने जहाँ इन्होंने जो जो जमीन दी है उसका मुझे सर्वे चाहिए, क्या किया है उसने जमीन देने के बाद। वो सब मॉल बने थे 7-स्टार होटल, मैंने उसका अर्बन लैंड सेलिंग का कोटा ही कैंसिल किया शरद पवार का, सुप्रीम कोर्ट में आया उसमें भी कैंसिल हो गया। ये सब मैं बताने की बात क्या है, तुम बोलते रेजिग्नेशन किया दिया, इसका कारण नहीं रेजिग्नेशन का, लेकिन व्यवस्था ने समझा कि ये गैर व्यवस्था, ये व्यवस्था के खिलाफ काम करने वाला है, तो फिर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट देना बंद होता है। जैसे कि ब्रेट पिटिशन में बैठे हम, तो शरद पवार का कोटा कैंसिल किया, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन निकाला, जो भी हम कर सकते थे 4 साल में 5 साल में, जो जिंदगी भर लोग करते नहीं वो मैंने 4-5 साल में किया। तो और बचपन से मैं फुले शाह अम्बेडकर के, अभी मैं कह नहीं सकता कि मैं हमेशा व्यवस्था के खिलाफ, बचपन से कैसा हो गया क्यों हो गया, ये कम्युनिस्ट घर में मैं रहता था, मेरे रिलेशन थे और जब उनके आना जाना था तो अन्ना भाव के साथ मैं सब, हाँ अमर शेख के साथ मैं रहा हूँ, अन्ना भाव के साथ मैं रहा हूँ, और उस ये सब लोग इतने सादे थे रहे, वो एक ही कपड़े पे ट्रैवल करते थे, वो हमारे घर सोए, सुबह हम सब लोटा लेके बाहर गए, आए कॉमन बार बार ये बावड़ी होती है वहाँ, कपड़े धोए, सुखाने को रखे और नाना करके नहा करके वही कपड़े पहने। ये अमर शेख और अन्ना बहुत साठे थे, आज भी उनकी पुण्यतिथि या जयंती कुछ है, तो ये लोगों को मैंने खुद नज़दीक से देखा है, तो ये मेरे ऊपर वो परिणाम हुआ था कि ये हमें फुले शाह अम्बेडकर के रास्ते से चलना है, ये हम बचपन से हमारे खून में था। इसलिए मैंने जजशिप छोड़ी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि मैं क्यों बाहर आया, तो मैं बाहर आया, फुले शाह अम्बेडकर का काम मुझे गाड़गे बाबा की पद्धति से करना है। गाड़गे बाबा हमारे बहुत अच्छे संत थे, अंगठे बहादुर थे पर लेकिन बहुत नॉलेजेबल थे। वो बोलते थे कि पृथ्वी पैदा हुई तब से अभी तक ना कभी ईश्वर किसी को मिला है, ना कभी ईश्वर ने किसी को कुछ दिया है, ऐसा उनका कीर्तन था। तो मैं उनका शिष्य हूँ और मैं अभी उनके सब ट्रस्ट पर हूँ, ट्रस्टी हूँ। तो मुझे जुडिशरी में, मैं सिर्फ, मेरा दिल घुटने लगा तो फिर मैंने छोड़ दिया और मैं अभी 40 साल हो गए तब से मैं काम कर रहा हूँ। आगे क्या लक्ष्य तय किया आपने आगे? नहीं, आज तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि मनुवादी सोच ही हमारे सभी दुखों की जड़ है, इसका प्रचार प्रसार करना। और किसी हालत में मोदी शाह मैं व्यक्ति नहीं समझता, ये जहरीले विचार है, तो किसी हालत में ये संघीय सोच वाली सरकार को घर बिठाना है।
तो ये कुलसे पाटिल थे जिन्होंने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को देखा है, संघर्ष को देखा है, और इस उम्र में भी 80 साल के बाद भी वो सड़कों पर लगातार समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए कि पूरी दुनिया में भेदभाव था, मार्टिन लूथर हो उनको देश ने पहचाना, मंडेला हो उनको अफ्रीका ने पहचाना, और फिदेल कास्त्रो हो उनको लैटिन अमेरिका ने पहचाना, लेकिन आज भी भारत के जो शोषित वंचित समाज है उसे, चाहे वो शिवाजी हो, फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, साहू जी महाराज हो, कांसीराम हो, या फिर कुलसे पाटिल जैसे लोग हों जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मीडिया नहीं है, अखबार नहीं है, समाज जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए अपने ही उन तमाम लोगों को नहीं जानता है जो उनके लिए अपना जीवन त्याग कर संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों की कोशिश है कि एक बेहतर मुल्क बनाया जाए, एक बेहतर देश बनाया जाए जहाँ सबको समान अधिकार हो, समान सम्मान हो। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि ऐसे तमाम लोगों को जो देश की मजबूती के लिए, जो इंसानियत के लिए, जो गैर बराबरी को ख़त्म कर बराबरी के लिए, जो जाति धर्म लिंग के आधार पर जो शोषण है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि कुलसे पाटिल के सारे विचार, उनके काम जो उन्होंने बताया वो आपको कैसे लगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।